lalluram.com में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रिया पांडे। केक के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन पानी पूरी केक के बारे में आपने शायद ही सुना होगा। तो पानी पूरी केक बनाने की रेसिपी हम जानेंगे महक लालवानी से। सबसे पहले तो आपका lalluram.com में स्वागत है। थैंक यू। पानी पूरी केक जैसा कि आप बता रही हैं कि आप बनाती हैं, किस तरह से बनाती हैं, सबसे पहले तो हम बनाने के प्रोसेस की ओर चलते हैं। पानी पूरी केक के लिए हम एक स्पेशल उसकी सॉस रेडी करते हैं। पानी पूरी टेस्ट में रहती है, वो फ्लेवर्स में। जो पानी पूरी खाते हैं, जिनको पानी पूरी पसंद है, वो उसको टेस्ट करेंगे तो उनको ऑब्वियसली उसका वो टेस्ट आएगा। बाकी तो केक को लेके जो मेन इंग्रेडिएंट है, स्पॉन्ज क्रीम, ये सब तो डलेगा ही उसमें, बट एक स्पेशल उसमें सॉस इंक्लूड रहेगी और थोड़ा पानी पूरी का ट्विस्ट रहेगा, तो जो खाएगा वो ही बता पाएगा आपको। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि केक में भी पानी पूरी का फ्लेवर होना चाहिए? मुझे नए नए फ्लेवर्स पे वर्क करना पसंद है। अभी होली है तो मेरे यहाँ ठंडाई केक, फिर सीज़न रहता है तो पान केक, मतलब हर फ्लेवर। मुझे ऐसा लगता है कोई फ्लेवर बताओ तो मैं उस पर वर्क करूँ। तो अभी रिसेंट पानी पूरी को लेके मैं कुछ टाइम से सर्च कर ही रही थी, फिर रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, तो अभी फिर लगता है कि जो भी रायपुर में हैं तो अगर मैं उनको बना के खिला पाऊँ तो बहुत अच्छी बात होगी। तो चलिए दर्शकों को बताते हैं कि केक किस तरह से बनाया जाता है। हाँ, केक को स्टार्ट करने के लिए स्पॉन्ज रहता है केक का, बेसिक स्पॉन्ज सब रेडी करते हैं घर में, ये रहता है। देन प्लस हमारा सीक्रेट सॉस रहता है जो हम बनाते हैं, पानी पूरी स्पेशल सॉस रहता है। व्हिप्ड क्रीम रहता है, ये तीन मेन इंग्रेडिएंट हैं। इसके अलावा आप ऐड करने के लिए फ्लेवर्स और बढ़ाने के लिए कि लगे कि पानी पूरी, बूंदी है, रायता बूंदी, ट्विस्ट क्रंच आएगा थोड़ा इसको खाने से, एंड पुदीना पत्ता है, ये सब एक्स्ट्रा है। आप चाहो तो इनको ऐड करो, चाहे तो ना ऐड करो, बट मेन ये ही है कि पानी पूरी का जो सॉस है और ये क्रीम, इनसे मिक्स होके केक जनरली मीठा रहता है, तो ये मीठा भी रहेगा प्लस थोड़ा खट्टा भी रहेगा, पानी पूरी का फ्लेवर आएगा। अभी आप कैसे क्या मिलाने वाली थी इसमें? मिलाने के लिए सबसे पहले एक स्पॉन्ज रहता है अपना, केक स्पॉन्ज, उसको कट करना है लेयर्स में, बहुत ईजी है। आप इसको लेयर्स में कट कीजिए, ये बहुत छोटा सा केक है, आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा जो भी हो, तीन लेयर में कट करते हैं अकॉर्डिंगली। जो बिगनर्स हैं दो लेयर में कट करें। अभी आइसिंग केक है तो हमको स्पॉन्ज के लिए पानी की ज़रूरत रहेगी, पानी रहेगा, पानी हम हर लेयर पे लगाएंगे, क्योंकि पानी लगाना क्यों जरूरी है? पानी लगाना इसलिए ज़रूरी है कि जब ये केक फ्रीज में स्टोर होगा, तो जब फ्रीज में स्टोर होगा, अगर आपने इस पर प्रॉपर स्पॉन्जिंग नहीं की होगी तो जो क्रीम का जो मॉइस्चर है वो केक ले लेगा, क्रीम का जो मॉइस्चर है वो केक ले लेगा। क्रीम के साथ ही? हाँ, क्रीम के साथ ही मिक्स करना है, बस वो मर्ज होता जाएगा, आपको फ्लेवर देता जाएगा। तो उसका टेस्ट कैसे आता है? टेस्ट तो बिल्कुल पानी पूरी का ही आता है। बिना पानी पूरी खाए केक के माध्यम से भी पानी पूरी का टेस्ट ले सकते? हाँ बिल्कुल, जो लवर्स हैं वो बहुत खुश होंगे इस फ्लेवर को ट्राई करके। यहाँ आप थोड़ा रायता बूंदी डाल दो, जैसे हम जनरल चॉकलेट केक में चॉको चिप्स डालते हैं, तो ये अपना बूंदी वो काम करेगा। अगेन सेकंड लेयर पर सेम स्पॉन्जिंग हर लेयर पर ज़रूरी है। पूरा साइड्स कहीं सूखा नहीं रखना है, क्योंकि आपका क्रीम का मॉइस्चर नहीं तो केक ले लेगा। और अगर पानी नहीं मिला करके केक बना लिए तो उसमें क्या इफेक्ट होगा? अगेन वो आपका मतलब ज़्यादा देर तक आप रख नहीं पाओगे फ्रीज में, ड्राई होता जाएगा। तुरंत खाना है उसी सेम डे तो आप अवॉइड कर सकते हो स्पॉन्जिंग, अदरवाइज मत अवॉइड करो। 2 to 3 days, 4 days वो रहते ही हैं, घर के केक्स रहते हैं इनको तो 7 days तक कुछ भी नहीं होता है। आपने ये केक ही बनाने की शुरुआत मतलब कब से की? आप बता रही हैं कि पानी पूरी केक और अलग अलग फ्लेवर के आप केक बनाती हैं, तो इसकी शुरुआत आपने कैसे की, मतलब केक ही बनाना ऐसा मन क्यों किया? इसके पीछे बस अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, अदरवाइज़ केक बनाना मुझे बचपन से बहुत पसंद है। बस एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक बार मार्केट का केक घर में आया था तो वो पसंद नहीं हुआ था टेस्ट की वजह से, तब से एक सोच लिया कि अब बनाएंगे तो घर का ही बनाएंगे, बस यही एक मेन रीज़न था। फिर इस फील्ड में इंटरेस्ट था तो धीरे धीरे इस फील्ड में आ गए। अब आज मेरे यहाँ से क्लासेस भी रहती हैं,
आपने जैसे बताया कि मार्केट का केक अच्छा नहीं था, तो वो वाक्या बताएंगे क्या दर्शकों को कि कैसे, मतलब क्या अच्छा नहीं रहा उसमें, क्या अच्छा नहीं लगा आपको? वाक्या राय, मैं मतलब बच्चे के बर्थडे, मेरे बच्चे के बर्थडे पर ही मैंने ऑर्डर किया था, वन डे बिफोर ऑर्डर किया था केक, कि वन डे बिफोर जैसे ऑर्डर जनरली करते हैं, तुरंत वाला केक नहीं था। तो अपने फ्लेवर्स के बाद जब वो आया केक, केक कट हुआ, तो कटते ही बच्चे को खिलाया, उसके फ्रेंड्स बच्चों जो सबको खिलाया, लास्ट में मैंने खुद खाया, तो वो केक खाने जैसा नहीं था। बस तुरंत उठाया केक, उन्हीं सब जैसा भी था वो जिस प्लेट में था सब उठा के तुरंत उस शॉप पे गए और उसको बोला कि पहले आप टेस्ट करो फिर हमें बताओ क्या ये खाने जैसा है। तो उन्होंने अपनी गलती मानी, लेकिन अब हमारे तो बच्चे के पेट में जा चुका था, तो हमने तो एक्सपीरियंस यही लिया कि अब से मार्केट पर ट्रस्ट नहीं करना है, आप अपने बच्चे को अपना फ्रेश बना के खिलाओ। तो बस तब से मेन तो वही इंसिडेंट की वजह से ही मैं इस फील्ड में आई, और बाकी शौक था इसीलिए शायद आज मेरा अपना पेज भी है, क्लासेस भी चलती हैं इंस्टा पे, एफबी पे। केक बनाने का शौक आपको कब से था, मतलब क्या देख के आपको लगा कि आपको केक ही बनाना चाहिए? क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को शौक लेते हैं या हमें किसी चीज़ का शौक होता है, तो हम पहले उस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद हमें शौक होता है। तो आपको कब से हुआ? मुझे बहुत छोटी थी तब से ही था, खाली केक में ही नहीं, चॉकलेट्स, कुकीज़, मुझे सब बहुत अट्रैक्ट करते थे, मुझे लगता था मैं खुद अपने हाथ से बनाऊं बस और सबको खिलाऊं। फिर कुकिंग भी बहुत अच्छा हाथ है मेरा, कुकिंग भी बहुत अच्छी करती हूं मैं, तो मुझे बस बनाने का बहुत शौक है। और केक्स तो सबकी कमज़ोरी है, सबको अच्छा लगता है अपने हाथ से परफेक्ट केक बनाना, घर वालों को खिलाना। घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि इसी फील्ड पे जाना है? क्योंकि लोग अपने करियर बनाने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन चुनते हैं, लेकिन आपने केक ही अपने करियर को चुना है, तो लोगों का क्या रिएक्शन था, परिवार वाले क्या ने क्या कहा? परिवार वालों का हर परिवार की तरह स्टार्टिंग में तो रेडी नहीं थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें ही करना है, देखो बैलेंस कर सकती हो तो करो, नहीं तो फिर, तो फिर हमने कहा ठीक है ट्राई करते हैं, बैलेंस कर पाए तो फिर अच्छा बैलेंस हो गया, तो फिर आ गए इस फील्ड में। तभी केक बन गया, और इसमें कुछ मिलाना है क्या? है 10 मिनट के लिए फ्रीज में जाता है स्टेज पे, और 10 मिनट बाद इसमें फाइनल डेकोरेशन होता है। अब ये क्रम कोट है, ये क्रम कोट के तुरंत बाद हम फाइनल लेयर नहीं कर सकते, सब मर्ज हो जाएगा। ये 10 मिनट फ्रीज में जाता है स्टेज पे, फिर आपको जो भी डिज़ाइन देना है आप उसमें आफ्टर 10 मिनट्स डिज़ाइन दे सकते हो। फ्लेवर एड ऑन हो गया है इसमें, अब हमारा सेम क्रीम विप्ड वाला फाइनल कोट हम इसको देंगे। जितना भी क्रम कोट साइड का लेयर दिख रहा है हमको इसको छुपाना रहता है फाइनल लेयरिंग में। कलर्स आप इस स्टेज पे ऐड कर सकते हो, जैसे मुझे ज़्यादा कलर्स यूज़ करना पसंद नहीं है, तो मैं हर केक में ऊपर से कलर क्रीम में ही ऐड करती हूँ, जैसे मैं इसमें करूँगी कि पर्टिकुलर क्रीम पे कलर नहीं देती हूँ, एक बार क्रीम अप्लाई हो जाता है देन अपना कलर उठाती हूँ। एक क्रीम अप्लाई हो गया, अब कलर, हाँ अब कलर दूंगी मैं एक, जैसे कि आप बोल रहे थे कि कलर बाकी लोगों पूरा क्रीम, हाँ नहीं बाकी सबका अपना तरीका है, हाँ। अगर आप क्रीम में कलर मिक्स करते हो तो कलर पे काफी हद तक डिपेंड करता है कि आपके कलर्स कौन से हैं। कई लोग जेल, हाँ जेल कलर्स रहते हैं तो वो आप कर सकते हो। अब ये लिक्विड कलर्स हैं, कलर मिस्ट ब्रांड है, मैं ग्रीन और येलो मिक्स करके इलेक्ट्रिक ग्रीन कलर बनाऊंगी, एकदम ग्रीन भी नहीं होगा, ग्रीन एंड येलो मिक्स किया मैंने, जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा लगाया, दिख रहा होगा आपको शेड, ये पेस्टल शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं एकदम, ये पूरे क्रीम में मिक्स भी नहीं होते हैं, प्लस दिखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं। अभी गर्मी आ रही है, पानी पूरी इतना ठंडा फ्रेग्रेंस वाला फ्लेवर केक हो जाएगा, उस पर आप अगर ज़्यादा कलर पे वर्क करोगे, एक सेकेंड, कलर पे ज़्यादा वर्क, एकदम कलर चुभता है कई बार आँखों में, हल्के लाइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कई लोग बाद में कलर डालते हैं, पहले कलर डालते हैं, उसमें अंतर क्या है? बाद में मत नहीं, बाद में तो कहा कि अभी आप अपने अकॉर्डिंग कलर ऐड करती हैं, लेकिन केक पर एक कोट अप्लाई कर देती हूँ फिर के कलर्स डालती हूँ उसी नाइफ में लेके, और बाकी लोग क्रीम में पहले कलर डाल देते हैं फिर अपना केक पे लगाते हैं, तो उसमें क्रीम लिक्विड हो जाता है, तो लिक्विड क्रीम जिनका हाथ सेट है वो तो संभाल लेते हैं, बट जो बिगनर्स हैं उनसे नहीं संभलता है, उनको अगेन एक सिंपल सा केक मेकिंग हार्ड लगने लग जाता है। ये फिनिशिंग हो गया, फिनिशिंग साइड का हो गया है, ऊपर का मैं वैसे भी ज़्यादा नहीं दूंगी क्योंकि ऊपर थोड़ा डेकोरेशन होगा तो इतना वैसे भी वो दिखेगा भी नहीं, साइड में आप इस तरह का कॉम्ब बना सकते हैं, ये कॉम्ब है, कॉम्ब आता है अच्छा केक के लिए, आप स्टार्ट अपना साइड से लुक दे सकते हैं इसको,
वाह बहुत खूबसूरत दिख रहा है। बस एक सिंपल सा 10 मिनट का मेकिंग है केक बेकिंग। बोलो अब इसमें कैसे डेकोरेशन है? मैंने N1 नोजल लिया है, नंबर है N1। पाइपिंग बैग है, पाइपिंग बैग रेडी इजीली मार्केट में मिल जाते हैं आपको। मैंने बैग को फिल किया, एक पोटली जैसा बनाया, मुझे इसमें क्रीम डालना है, वही क्रीम है मेरा, मैंने डाला उस बैग के अंदर और मुझे जो भी डिज़ाइनिंग देना है मैं अब दे दूँगी। ये सब आपकी अपनी चॉइस रहती है कि आपको क्या लेना है, आप गूगल से भी कोई भी डिज़ाइन निकाल सकते हो। अभी ट्रेंडिंग में कौन सा डिज़ाइन चल रहा है, केक के लिए भी, खाने पीने के लिए भी डिज़ाइन? एक्चुअली तो नोज़ल वर्क जो है थोड़ा एडवांस वर्क है, हम बिगनर्स को नहीं सजेस्ट करते हैं कि आप पर्टिकुलर नोजल्स पर जाओ फिर आप केक डेकोरेट करो, ऐसा नहीं है। अगर आप एक साफ़ सुथरा केक दे रहे हो, फिनिश्ड केक, और खाने में तो ऑलरेडी घर का है तो अच्छा ही है, तो नोज़ल वर्क इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अदरवाइज़ आप हल्के फुल्के, ये रोजेट्स हैं, आप कोई रोज़ तो नहीं बना रहे हो, अदरवाइज़ रोज़ बनाना थोड़ा टफ हो जाता है। ये रोजेट्स हैं, आप इनको घुमाओगे जैसे देखना मैं घुमाऊँगी, तो एक आर्टिफिशियल रोजेट्स निकलते हैं, बहुत प्यारा सा लगता है। बस आपको बेसिक इतना इतना करके बहुत अच्छा दिखता है। 2-3 दिन आप अपनी प्रैक्टिस करते हो ना क्रीम पे, तो आपसे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। नीचे मैंने शेड दिया है, इसीलिए मैंने ऊपर कलर नहीं किया है, क्योंकि मुझे एकदम कलर नहीं पसंद है। मैं डायरेक्ट बेस पर बना रही थी, आप अपना बेस थोड़ा पोंछ सकते हैं। एक साफ़ सफाई वाला काम सबको पसंद आता है, हमेशा बनाते वक्त साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। सिंपल सा लॉजिक है, हम किचन में भी काम करते हैं तो जब हम किचन को साफ़ सुथरा रखते हैं तभी कोई भी अचानक से आता है तो उसको भी अच्छा लगता है, अदरवाइज़ काम तो हो ही जाता है। सेम इसी नोज़ल से मैंने सेंटर पे मैं गुपचुप रखूँगी, सेम इसी नोज़ल से मैं इसको बॉर्डर दे देती हूँ। केक को बॉर्डर देना बहुत ज़रूरी है, बॉर्डर देने से थोड़ा हाईलाइट हो जाता है केक, अदरवाइज आपका केक अधूरा दिखता है, मतलब वो फिनिशिंग हो जाती है बॉर्डर। हाँ, बॉर्डर देने से आपका परफेक्ट बेकरी केक जो बोलो कि दिखता है कि हाँ आपने वर्क किया है, अधूरा नहीं दिखता है कहीं से। अभी देखिए एकदम बेसिक सा वो है, कुछ भी नहीं, मैंने गुपचुप लिया बस इसको रखा। अब आलू तो नहीं भर सकती मैं, तो इसीलिए सेम इसी क्रीम को मैं आलू समझ के थोड़ा वर्क करूँगी, 3-4 जो आपके सूटेबल हो। गुपचुप ऐड हो गया, अब इसमें क्रीम, क्रीम को ही आलू समझना है आपको, क्योंकि आलू तो इसमें अब जाएगा नहीं। हाँ, आप चॉकलेट लवर्स हैं तो गुपचुप को चॉकलेट से कोट कर सकते हैं। इसमें और किस तरह से सजा सकते हैं इसको आप, अगर किसी को गुपचुप नहीं ऐड करना है उसमें तो? गुपचुप पानी पूरी केक है तो गुपचुप तो ऐड होगा। ये क्या चीज़ है? ये जेल है, केक जेल, ट्रांसपेरेंट आ जाता है, हम केक के ऊपर नाम वगैरह लिखते हैं इन्हीं जेल से लिखते हैं, ये ट्रांसपेरेंट आता है, मैंने इसमें रेड कलर किया है, मुझे थोड़ा सॉस का लुक देना है, गुपचुप है तो थोड़ा चटनी। मैंने हरा कलर दिया तो मेरी हरी चटनी बन गई, ये मीठी है खाने में। इस तरह तोड़ के रखा है कि ये लीव्स आए और इन लीव्स को मैं सीधा यहाँ लगाऊंगी कि ये साइड से आपको दिखे। अपना अपना क्रिएशन है, काफ़ी लोग अब इतना सीख के आगे अपने खुद के करते हैं तो अपना अपना है, एक बेसिक बताया अब आप आगे खुद कर सकते हैं। इसके अलावा आप केक भी बनाना सिखाती हैं क्या? प्रोफेशनल क्लासेस चलती हैं, 15 कोर्सेज हैं, केक बेकिंग से रिलेटेड, चॉकलेट, कुकीज सब हैं, कुकिंग के भी हैं, तो सब तरह का कोर्स है। आप किसी भी क्लास के लिए मुझसे मेरे डायरेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 9300667005, महक लालवानी, मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टा पर भी पेज है, स्वीट सेंसेशन महक लालवानी, FB पर भी हूँ, यूट्यूब पर भी हूँ,
कॉन्टैक्ट करने वाले कहीं से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके सोशल मीडिया में आप किस नाम से? स्वीट सेंसेशन महक लालवानी। तो जैसा कि ये गुपचुप वाला केक बन गया है, पानीपुरी वाला केक, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत दिख रहा है। और शायद ही किसी ने सुना होगा कि पानीपुरी वाला भी कोई केक होता है। बाकी आपको अगर केक बनाना है या केक से संबंधित कोई क्वेश्चन करने हैं तो आप सीधे महक लालवानी से संपर्क कर सकते हैं।